आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत रत्न पंडित रवि शंकर की। श्री श्री रवि शंकर से इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो धर्म गुरु है। पंडित रवि शंकर की बात कर रहे हैं जो कि बहुत बड़े म्यूजिशियन रहे हैं। इनके बच्चे भी बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, ठीक है। इनकी जो बेटी है उनको 8 बार ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुका है, इनको खुद को 5 बार ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुका है। इन्होंने भारत के क्लासिकल संगीत को पूरी दुनिया में फैलाया। बीटल्स के बहुत बड़े मेंबर जॉर्ज गैरिसन तो इनके सामने झुक गए थे, इन्हीं से ही तो तालीम ली थी। तो आपको बता दूं कि इनका जब नाम लिया जाता है तो बड़े ही सम्मान से पूरी दुनिया में लिया जाता है। पूरी दुनिया में इन्होंने अपने अपना जो यश है वो फैला रखा है और इनके नाम पे तो स्कूल चलते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पंडित रविशंकर, बोलने की जरूरत नहीं है कि इनको भारत रत्न मिला होगा। तो भारत रत्न की जो ये सीरीज है वो जारी है और पंडित रविशंकर की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। sid_reconnect मेरा फेसबुक पेज है और सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से ही मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, यही डीपी लगी हुई है, सर्च करने में आसानी होगी। आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और घर बैठ के आराम से अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। तो दोस्तों ये भारत रत्न अवॉर्डीज है, लगभग लगभग सबकी मैं बायोग्राफी कवर कर चुका हूं। दोबारा मैं लिस्ट बताने वाला हूं, आप इस पोर्शन को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। जिन्हों जिन्होंने बार बार लिस्ट देख ली है, जिन्हों जिन्होंने ये लिस्ट नहीं देखी है आप देख लीजिए। तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी की बायोग्राफी कवर हो चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी कवर हो चुकी है, मदन मोहन मालवीय, सचिन तेंदुलकर, सीएन राव की बायोग्राफी जो है वो नहीं कवर हुई है। पंडित भीमसेन जोशी की बायोग्राफी मैं अगली कवर करूंगा। उस्ताद बिस्मिल्ला खान और पंडित रविशंकर, अमर्त सेन, जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी कवर्ड हो चुकी है। पंडित रविशंकर की मैं कर ही रहा हूं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली और लता मंगेशकर की बायोग्राफी अगली होगी पंडित भीमसेन जोशी के बाद। इसके बाद सी सुब्रमण्यम, एम एस शोभालक्ष्मी की बायोग्राफी नहीं कवर्ड है, बहुत जल्द कवर कर दूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम की किताब का रिव्यू है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का रिव्यू है, विंग्स ऑफ फायर देख लीजिए। अरुणा आसिफ अली, गुलजारी लाल नंदा की बायोग्राफी कवर्ड है, सत्यजीत रे और जेआरडी टाटा की बायोग्राफी नहीं कवर्ड है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बायोग्राफी नहीं कवर्ड है। इन सबकी बायोग्राफी मैंने कवर की है, जितने भी आपको दिख रहे हैं, सॉरी दो बस नहीं है, एम जी रामचंद्रन और खान अब्दुल गफ्फार खान, बाकी सबकी बायोग्राफी कवर्ड है। इन सबकी बायोग्राफी कवर्ड है, जो भी आपको नाम दिख रहे हैं सबकी, इंदिरा गांधी, कामराज, मदर टेरेसा, सबकी, इन सबकी बायोग्राफी कवर्ड है। जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं आप सर्च कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ये सारे लेक्चर्स देखें, बहुत नॉलेज होगी दोस्तों, इतनी ज्यादा नॉलेज होगी सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद इन सबकी भी बायोग्राफी कवर्ड है, 1955 और 1954 को जिनको भारत रत्न मिला उनकी भी बायोग्राफी मैं कवर कर चुका हूं, ठीक है। तो अगर हम पंडित रविशंकर की बात करें तो 7 अप्रैल 1920 में बनारस में जन्मे थे ये और 11 दिसंबर 2012 को इनका देहांत हुआ था। बता दूं कि सितार माइस्ट्रो थे ये, सितार बहुत ही बढ़िया बजाते थे ये और इनको सितार माइस्ट्रो भी बोला जाता था। हर चीज इनको आती थी, संगीत से जुड़ी हुई हर चीज इनको आती थी। पॉलिटिशियन भी थे ये, राज्यसभा के मेंबर भी थे ये, राजीव गांधी ने इनको नॉमिनेट किया था और इनको भारत रत्न भी दिया गया था। 1999 में इनको भारत रत्न मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले। दुनिया में संगीत का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड, वो इनको मिला, 5 बार मिल चुका था। 2013 में तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था ग्रैमी अवार्ड में। तो आप देख सकते हैं ना, इन्होंने मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म किया था भैया, मेडिसन स्क्वायर। और ऐसा बोला जाता था कि जब पंडित रविशंकर परफॉर्म करते थे ना, लोग खो जाते थे और इतना ज्यादा मगन हो जाते थे इनके संगीत में कि क्या बताएं। मेडिसन स्क्वायर में ये खाली ट्यून कर रहे थे, इन्होंने शुरू नहीं किया था अपना कंसर्ट, सिर्फ ट्यूनिंग हो रही थी। ट्यूनिंग में ही इतनी तालियां बजी हैं, इतनी तालियां बजी हैं कि रविशंकर खुद भी चौंक गए थे कि ये क्या हो रहा है। हालांकि सक्सेस के साथ क्रिटिसिज्म भी आता है, रविशंकर का क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। बहुत सारे जो म्यूजिक स्कॉलर्स है वो कहते हैं ये कोई म्यूजिक नहीं बजाते हैं, ये प्योर क्लासिकल संगीत नहीं है, ये तो वेस्टर्न म्यूजिक है। रविशंकर का ज्यादा जो नाम है वो बाहर हुआ है दोस्तों, वेस्ट में हुआ है। इन्होंने पूरी दुनिया में, मैंने बोला ना पूरी दुनिया में संगीत फैलाया और पूरी दुनिया में हर कोने में जाके कंसर्ट किए। तो ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक से मिक्स कर दिया, तो ये प्योर म्यूजिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे म्यूजिक स्कॉलर बोलते हैं। और भी चीजें हैं जो इनके खिलाफ जाती हैं, जो इनके बारे में बोली जाती हैं।
इन्होंने जब ये बीटल से जुड़े, जॉर्ज हैरिसन से जुड़े, तो क्या हुआ था कि वो एक तरीके से वहां पे काफी ड्रग एडिक्शन था, और वहां पे जो रॉक म्यूजिक था अक्सर, जो ज्यादातर जो म्यूजिशियन थे वो ड्रग्स लेते थे। हालांकि पंडित रविशंकर ने खुद बोला कि बिल्कुल ये गलत है और मारुआना का प्रयोग मैं बिल्कुल भी सही नहीं समझता, म्यूजिक एक कोई ब्रांच नहीं है, ये भगवान है। म्यूजिशियंस के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स या संगीत जो होता है वो भगवान होता है, भगवान से मिलने का यह सबसे बेहतरीन जरिया है म्यूजिक। तो मैं इन सारी चीजों को इनका बिल्कुल खंडन करता हूं, लेकिन क्रिटिसिज्म काफी होता था कि ये उन लोगों के साथ जाके कोलैबोरेट करते हैं जो ड्रग एडिक्ट है। ठीक है, बाद में 1970 आते आते इन्होंने हिप्पी म्यूजिक, रॉक म्यूजिक से थोड़ा किनारा कर लिया। ठीक है, तो रविशंकर के सारे पहलू जानेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ भी हम देखेंगे। अनुषा शंकर, नोरा जोन्स जिनको काफी ग्रैमी अवार्ड मिले और बहुत पॉपुलर सिंगर हैं बाहर अमेरिका में, और अनुषा शंकर भी एक बहुत पॉपुलर सिंगर है, वो सब इनकी बेटी है। ठीक है, तो अगर रविशंकर की बात करें तो इनका जन्म बनारस में हुआ था। वैसे आपको बता दूं कि इनका नाम था रविंद्र शंकर, जी हाँ रविंद्र शंकर इनका नाम था, बाद में इन्होंने रविशंकर कर लिया था, देखिए लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है, रविंद्र शंकर चौधरी ये इनका नाम था। इनके पिताजी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लॉयर और पॉलिटिशियन थे, श्याम शंकर चौधरी, और इनके पिताजी की शादी हुई थी हेमंगिनी देवी से, लेकिन इनके पिताजी फिर लंदन चले गए, वहां पे प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है, बहुत ही बड़े लॉयर थे, और आपको बता दूं कि इनके पिताजी भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, दीवान रह चुके थे ये। ठीक है ना, दीवान मतलब प्राइम मिनिस्टर, मेहार में जो कि एमपी के पास एक टाउन है वहां पे ये दीवान रह चुके थे। ठीक है, और ईस्ट बंगाल के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। सात भाई बहन थे, ठीक है, सात भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके जो भाई थे उदय शंकर, जो बड़े भाई थे उदय शंकर, वो एक बहुत ही बड़े डांसर थे, कोरियोग्राफर और डांसर थे। तो इनके भाई का जो ग्रुप है वो पूरी दुनिया में जाता था, कंसर्ट करता था। अब नन्हे रविशंकर भी अपने भाई के साथ पूरी दुनिया में कंसर्ट करने जाते थे, पूरी दुनिया में परफॉर्म करते थे, और यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक सीखा, उन्होंने जैज सीखा, उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे, उन्होंने ढेर सारी रागे सीखी, उन्होंने ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ये सब रागे ताले होती हैं दोस्तों, म्यूजिक का पार्ट है। रुद्रा, वीणा, सितार, सूर सिंगार, सब कुछ सीखा इन्होंने। ठीक है, जब ये अपने भाई के साथ टूर पे होते थे, लेकिन दोस्तों फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया और टूरिंग जो है वो काफी डिफिकल्ट हो गई, फिर ये भारत आए। आपको बता दूं शंकर ज्यादातर बाहर ही रहते थे, ठीक है, ये भारत भी आए। अब इनके पिताजी की थोड़ी और बात कर लेते हैं, श्याम शंकर चौधरी की बात करें दोस्तों, तो श्याम शंकर चौधरी जो थे वो जब लंदन में थे तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, और वहां पे जब उन्होंने दूसरी शादी की तो रविशंकर को उन्होंने 8 साल तक नहीं देखा था। जब 8 साल के हुए रविशंकर, तब श्याम शंकर चौधरी ने उनकी शक्ल देखी थी, तो ये चीज थी। ठीक है, बंगा लितालो ये स्कूल इन्होंने अटेंड किया था, उसके बाद दोस्तों ये भारत वापस आया। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब शंकर टूर करते थे, अपने भाई के साथ टूर पे जाते थे, तो एक बार रविशंकर ने अलाउद्दीन खान को, जो कि लीड म्यूजिशियन थे प्रिंसली स्टेट के, जो राजा थे मेहर के, मेहर जो कि एमपी से दूर, मतलब एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में एक टाउन है, वहां पे इन्होंने अलाउद्दीन खान को बजाते हुए सुना। और जब इन्होंने अलाउद्दीन खान को बजाते हुए सुना तो ये इतना ज्यादा उनमें मंत्रमुग्ध हो गए, जो ये बजा रहे थे, इतना ज्यादा डूब गए कि इन्होंने अपने भाई को कन्विंस किया कि इनको हमारे साथ टूर पे ले चलो। ठीक है, तो जब अलाउद्दीन खान शंकर से मिले और शंकर को ये ऑफर दिया कि तुम मुझसे सीख सकते हो, मैं तुमको म्यूजिक सिखाऊंगा, देखिए गुरु की जरूरत पड़ती है, हर जगह गुरु की जरूरत पड़ती है, और म्यूजिक में तो स्पेशली पड़ती है। ठीक है ना, म्यूजिक आप बिना गुरु के सीख ही नहीं सकते, ठीक, क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जब अलाउद्दीन खान ने पंडित रविशंकर को ऑफर दिया कि तुम यहां पे आओ सीखो मेरे पास, लेकिन शर्त यह रहेगी कि तुमको ये जो टूर करते हो ये अभी फिलहाल के लिए छोड़ना होगा जब तक तुम मेरे साथ सीखोगे, तब ये बात मान गए, तुरंत मान गए रविशंकर। अलाउद्दीन खान रविशंकर के गुरु बने और ट्रेनिंग स्टार्ट हुई बिल्कुल गुरुकुल स्टाइल में। आपने वो मूवी देखी होगी हम दिल दे चुके सनम, उसमें सलमान खान का जैसा रोल होता है ना और उनके गुरु का जैसा रोल होता है, एग्जैक्टली वैसे ही रोल होता है। मुझे लगता है संजय लीला भंसाली डेफिनेटली रविशंकर से इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि यहां पे अलाउद्दीन खान की जो बेटी थी उनसे शादी की रविशंकर ने, जी हाँ, हालांकि बाद में उनको छोड़ भी दिया था, तो उनसे शादी की रविशंकर ने। तो ये सारी चीजें थी, उसके बाद मेहर आए और फिर एकदम गुरुकुल स्टाइल में ट्रेनिंग होने लगी पंडित रविशंकर की, और काफी टफ टीचर थे, काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे, इतने आसान नहीं थे अलाउद्दीन खान। वैसे भी म्यूजिकल टीचर, डांस टीचर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं भैया, बहुत ही। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जो मदर है वो म्यूजिक से एमए है, तो वो मुझे बताती हैं
कि किस तरीके से अगर म्यूजिक में जरा सा भी कुछ गड़बड़ हो तो कितनी डांट पड़ती है और कितना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। ठीक है, तो भैया म्यूजिक और डांस में बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ कि जब इन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू किया, इन्होंने म्यूजिक सीखा, इन्होंने हर चीज में पारंगत हासिल की, सितार बजाना इन्होंने सीखा, और उसके बाद क्लासिकल म्यूजिक में जब लेफ्ट राइट सेंटर से पूरी रग रग में क्लासिकल म्यूजिक समा गया, तब इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। इन्होंने 1939 में सितार से परफॉर्म किया, और जब इन्होंने सितार बजाया, हाय 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 हाय, सब एकदम मंत्रमुग्ध, सबने बोला कि ये क्या है भैया। तो जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाते थे, आपको बता दूं, एक इंस्ट्रूमेंट से मुझे एक बात याद आ गई कि एक बार इन्होंने स्टेज पे एक गिटारिस्ट को अपना गिटार फोड़ते मतलब तोड़ते हुए देख लिया था। ऐसा कई बार हुआ है दोस्तों, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर, आप YouTube पे भी देख लीजिएगा, ये जो फुटेज है काफी आपको आसानी से मिल जाएगी। ये जो रॉक म्यूजिक वाले होते हैं ना, ये ज्यादा करते हैं। तो रॉक म्यूजिक वाले क्या करते हैं, अगर इनको गुस्सा आते तो अपना गिटार तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने एक गिटारिस्ट को अपना गिटार तोड़ते हुए देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। देखिए जो दोस्तों क्या होता है कि बाहर बाहर का तो पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप देखें, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से देखें, ये 12th सेंचुरी से चला आ रहा है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, हर एक म्यूजिशियन जो है भारत में, ठीक है, वो अपने जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, तो उन जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्रणाम करता है। आपने देखा होगा, अगर वो गुरु का भी नाम लेते हैं तो कानों पे अपनी उंगलियां रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इज्जत होती है। यहाँ पे पंडित रविशंकर का साफ साफ ये बोलना था कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को भगवान मानते हैं, ठीक है ना, इसी से ही हमारी कमाई हो रही है, हमारा घर जल रहा है और भगवान से हम कनेक्ट हो रहे हैं। ये इस तरीके का जो एटीट्यूड है ना, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो काफी वेस्टर्न कल्चर को, बहुत सारी चीजों को ये अप्रिशिएट भी करते थे, लेकिन काफी चीजों को ये डिनाई भी करते थे। तो ये सारी भी चीजें थी। बहरहाल इन्होंने सितार बजाना शुरू किया। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, सितार जो है मुगल पीरियड से काफी ज्यादा फेमस हुआ। मुगल मुगल कोर्ट में सितार आपको बहुत ज्यादा बचता हुआ मिलेगा, ठीक है, मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स पाए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि शंकर ने जब 1939 में सितार बजाया, और उसके बाद जो इनकी जर्नी शुरू हुई, फिर ये कभी रुके ही नहीं। 1944 में इनकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हुई, बंबई आ गए। बंबई में इन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन किया, और फिर इनके लिए परफॉर्म करने लगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, और जब बड़े बड़े लोग आते थे रविशंकर को बजाते हुए देखते थे तो कमाल हो जाता था। हर कोई इनको बहुत बड़े बड़े ऑफर्स देता था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने 25 साल में सारे जहां से अच्छा को रिकम्पोज कर दिया, ठीक है, अपने स्टाइल में रिकम्पोज किया, डिकम्पोज किया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बड़ी वाहवाही मिली, बहुत वाहवाही मिली, और इसी के चक्कर में सिर्फ 25 साल के थे ये, इनको ढेर सारे ऑफर आने लगे, ठीक है। ये 25 यहाँ पे भी हो गया है, इसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूं, ठीक है। उसके बाद HMV इंडिया, जो कि बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है म्यूजिक के क्षेत्र में, और जो म्यूजिक रिकॉर्ड करता है, बड़े बड़े सिंगर्स को मौका देता है, उनके साथ ही काम करने लगे, और बहुत ही जल्द ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर बन गए, म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। वो 1949 से लेकर 1956 तक इंडियन नेशनल ऑर्केस्ट्रा भी इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में ये भी फाउंड किया इन्होंने, आपको बता दूं। तो जो ऑर्केस्ट्रा बजता था ना, वो शंकर जी की ही देन थी, पंडित रविशंकर की। वैसे बता दूं कि पंडित रविशंकर बनारस से थे। अब मैंने आपको बताया था जब उस्ताद बिस्मिल्ला खान की बायोग्राफी कवर की थी कि बनारस भारत का सबसे, भारत का क्या, दुनिया का सबसे प्राचीन शहर, बनारसी पान का शहर, गंगा का शहर, बनारसी साड़ी का शहर, बड़े बड़े स्कॉलर्स का शहर, और भगवान भोलेनाथ का शहर। तो पंडित रविशंकर भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, लेकिन हनुमान भक्त बहुत थे, वो भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे रविशंकर। तो इन्होंने इंडियन नेशनल ऑर्केस्ट्रा को बनाया, ठीक है, जब ये ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, और बहुत सारी कॉम्पोजिशंस और भी बनाई। उसके बाद सत्यजीत रे, सत्यजीत रे वैसे पंडित रविशंकर के बहुत अच्छे दोस्त थे। आपको बता दूं कि जब सत्यजीत रे का देहांत हुआ था तो इन्होंने तन मन सॉरी फेयरवेल बाय फ्रेंड, ठीक है, और ये बहुत बेस्ट सेलर रहा था। कुछ वैसे तो बहुत सारे एल्बम्स पंडित रविशंकर ने कंपोज किए, लेकिन कुछ बहुत ही बेस्ट सेलर रहे हैं, पूरी दुनिया में काफी बिके हैं। तो इसमें फेयरवेल माय फ्रेंड भी करके था, जो कि सत्यजीत रे को ही डेडिकेटेड था। जब इन्होंने इनकी मृत्यु की खबर सुनी, काफी ज्यादा दुख हुआ था, और इन्होंने पूरा एक कॉम्पोजिशन ही बना डाला इनके ऊपर, ठीक है, और काफी ज्यादा इंटरनेशनल इंटरनेशनल को एक्लेम भी मिला, ठीक है। तो इन्होंने मूवीज में भी काम किया, मूवीज में भी म्यूजिक दिया, और भारत की मूवीज और
बाहर की मूवीज दोनों ही जगह इन्होंने काम किया। सत्यजीत रे की जो अप्पू ट्रायलॉजी थी उसमें इन्होंने मूवीज, उसमें इन्होंने म्यूजिक दिया। गोदान अनुराधा में इन्होंने म्यूजिक दिया, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर इन्होंने काम किया। बाहर की भी मूवीज में, जो फॉरेन की मूवीज बनती थी वहां पे भी इन्होंने म्यूजिक दिया। उसके बाद दोस्तों एक बार ये परफॉर्म कर रहे थे, इनके पास एक इंसान आता है और बोलता है कि आप अमेरिका में आके क्यों नहीं परफॉर्म करते। तो इन्होंने अमेरिका में फिर जाके परफॉर्म करना शुरू किया। अब यहां पे इन्होंने वर्ल्ड टूर करना शुरू कर दिया। वैसे भी इससे पहले उदय शंकर जो इनके भाई थे उनके साथ जब ये जाते थे टूर करते थे, सारी चीजें इनको पता थी, वेस्टर्नाइजेशन इन्होंने सीख ही लिया था। तो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, सोवियत हो गया, हर जगह जा जाके ये परफॉर्म करते थे और जहां जहां गए अपने पैर जमा लिए इन्होंने। तो उसके बाद 1954 में इन्होंने सोवियत यूनियन में परफॉर्म किया, फिर उसके बाद इन्होंने अमेरिका का टूर किया, जर्मनी का टूर किया, उसके बाद ये लंदन भी गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और इन्होंने अपना पहला एल्बम रिलीज किया जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग रहा, थ्री रागास इन लंदन, 1956 में इसको रिलीज किया गया। आपको मैं बता देता हूं चार इनकी कॉम्पोजिशन जो बहुत ज्यादा बेस्ट सेलिंग रही। एक तो यही है, ठीक है, थ्री रागास इन लंदन, ठीक है, जो कि 1956 में रिलीज किया गया था। ये बेस्ट सेलिंग रहा था, ये बहुत बिका था, बहुत ज्यादा बिका था, क्योंकि उस समय जो इनका म्यूजिक था, शंकर का म्यूजिक था, वो बिल्कुल अलग था, हटके था, क्लासिकल म्यूजिक का उसमें ब्लेंड था ना, हर जगह इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक मतलब लगा दिया था। ठीक है, कुछ भी कंपोज करते थे उसमें सितार की, और सितार की आवाज तो वैसे ही कानों में इतनी ज्यादा मिठास घोलती है कि क्या बताएं। तो यहां पे थ्री रागाज इन्होंने 1956 में रिलीज किया। उसके बाद तन मन, ये बहुत बड़ा बेस्ट सेलिंग इनका कॉम्पोजिशन रहा, तो 1987 में ये आया था। उसके बाद फेयरवेल माय फ्रेंड जो मैंने बता चुका हूं, वो भी एक बहुत ज्यादा बेस्ट सेलिंग रहा था। उसके बाद साउंड्स ऑफ इंडिया, ये 1968 में आया था, और साउंड्स ऑफ इंडिया जो है बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने कंपोज किया था और ये भी बेस्ट सेलिंग रहा था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद दोस्तों जो 10वीं एनिवर्सरी थी यूनेस्को पे, यूनेस्को की, वहां पे इन्होंने परफॉर्म किया, पेरिस में परफॉर्म किया, यूरोप में हर जगह परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया। और 1971 में आपको पता ही है कि इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ। ठीक है, मुजीबुर रहमान की बायोग्राफी मैंने पूरी कवर की है, देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो यहां पे जब 1971 में वॉर हुआ, तो जब इन्होंने देखा ईस्ट बंगाल या बांग्लादेश की इतनी बुरी हालत, यहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है, तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो इन्होंने क्या किया था, एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। ठीक है, और जो भी उससे फंड आना था, जो भी उससे पैसा आना था, वो किधर पे जाना था, वो जाना था बांग्लादेश। ठीक, तो यहां पे इन्होंने बांग्लादेश के लिए कंसर्ट किया दुनिया के सबसे बड़े हॉल मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। सबका ड्रीम होता है यहाँ पे परफॉर्म करना, न्यूयॉर्क में। ठीक है, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इन्होंने परफॉर्म किया। और उसके बाद जैसा कि जब मैंने बताया ना, खाली ट्यूनिंग हो रही थी, ट्यूनिंग पे इतनी तालियां बजी, तब यहाँ पे रविशंकर ने बोला था अब आप मेरे म्यूजिक को भी बहुत एंजॉय करेंगे अगर आप ट्यूनिंग पे इतनी तालियां बजा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मतलब जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में न्यूयॉर्क में जब शो हुआ था, जब कंसर्ट हुआ था, तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए थे। बॉब डायलन ने यहाँ पे परफॉर्म किया था, जॉर्ज हैरिसन ने परफॉर्म किया था, बीटल्स ने परफॉर्म किया था, रविशंकर खुद थे, तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए थे। और जितना भी पैसा आया वो सब गया ईस्ट बंगाल बांग्लादेश को। तो ये इन्होंने चैरिटी भी की। मीनवाइल इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लॉस एंजलिस और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये गेस्ट लेक्चरर भी थे। और 1968 आते आते इन्होंने अपनी पहली बायोग्राफी, पहली ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश की, खुद से ही लिखी थी इन्होंने, माई म्यूजिक माई लाइफ। उसके बाद इन्होंने दूसरी बायोग्राफी भी की, ठीक है, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। फिर इन्होंने किनारा स्कूल ऑफ म्यूजिक, इसकी ब्रांच ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गई थी लॉस एंजलिस में, किनारा स्कूल ऑफ म्यूजिक सबसे पहले रविशंकर ने मुंबई में इसको इसकी एक ब्रांच स्टैब्लिश की थी। ठीक है, म्यूजिशियंस को ट्रेन करने के लिए, और उसके बाद पूरी दुनिया में इसकी ब्रांच जो है वो स्टैब्लिश हो गई, और भारत में तो अभी भी है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको बता दूं इनको बहुत सारे ग्रैमी अवार्ड्स मिले और इनको एकेडमी अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। आपको बता दूं कि ऑस्कर जीतना हर किसी एक्टर, कोई भी हो, पूरी दुनिया में सारे एक्टर्स का ड्रीम होता है या सारे म्यूजिशियंस का ड्रीम होता है। तो इनको गांधी मूवी आई थी ना 1982 में, उसमें जो म्यूजिक था वो शंकर ने दिया था, उसके लिए इनको ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। अपने में बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने फिर टूरिंग अपना जारी रखा,
दोबारा इन्होंने मॉस्को में 1988 में परफॉर्म किया था और इस समय 140 म्यूजिशियंस ने इनका साथ दिया था। काफी बड़ा ग्रुप है दोस्तों, सोचे दोस्तों क्या नजारा रहा होगा, कमाल का। एक तो पंडित रविशंकर बजा रहे हैं, ऊपर से सबसे एक्सपर्ट म्यूजिशियंस उनका साथ दे रहे हैं, कमाल ही रहा होगा। इसी दौरान राजीव गांधी के संपर्क में आई है, 1986 से लेकर 1992 तक 6 साल का टेन्यूअर होता है राज्यसभा का, तो राज्यसभा के मेंबर भी रहे, तो एक पॉलिटिशियन भी हो गए थे ये। और इसी दौरान इन्होंने अपनी सेकेंड बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था रागमाला, सेकेंड बायोग्राफी लिखी, ठीक है। और आपको बता दूं कि 1990 का दशक जो था, 25 से 40 कंसर्ट तक हर साल 1990 से 2000 तक ये परफॉर्म करते थे, तो देखते ना थकते नहीं थे हर जगह, और हर जगह से इनको ऑफर आते थे। आपको बता दूं इनकी जो दो बेटियां हैं अनुष्का शंकर और नोरा जोन्स, नोरा जोन्स को खुद भी ग्रैमी अवार्ड्स मिले हुए हैं, अनुष्का शंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला है 2013 में, तो अनुष्का शंकर और इनके पिताजी को एक साथ नॉमिनेट कर दिया था, हालांकि इनके पिताजी रवि शंकर को ही अवार्ड मिला था। तो इस तरीके का इनका रिलेशन रहा है। अनुष्का शंकर को भी इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया और वो भी बहुत बड़ी संगीतज्ञ बनी, बहुत बड़ी संगीतज्ञ बनी। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी जो शादी थी अलाउद्दीन खान, जो इनके गुरु थे, हम दिल दे चुके सनम याद करिए, उन्हीं की बेटी जिनका नाम था रोशनारा खान, लेकिन बाद में जब इनसे शादी हुई तो नामकरण दोबारा से हुआ, अन्नपूर्णा देवी उनका नाम रखा गया। तो अलाउद्दीन खान की बेटी से इन्होंने विवाह किया था। इनका एक बेटा भी था शुभेंद्र शंकर, और पंडित रविशंकर जहां जाते थे शुभेंद्र शंकर भी वहां जाते थे, ठीक है। हालांकि 1992 में शुभेंद्र शंकर की न्यूमोनिया से डेथ हो गई थी, तो शुभेंद्र शंकर का इनका पहला बेटा हुआ, लेकिन बहुत ही जल्द जो है अन्नपूर्णा देवी से इनका तलाक हो गया। बाहर रहते थे दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें काफी कहानियां भी हैं कि इनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी ने बहुत कुछ किया था पंडित रविशंकर के लिए, लेकिन उसके बावजूद पंडित रविशंकर ने अन्नपूर्णा देवी को छोड़ दिया था। और अन्नपूर्णा देवी खुद भी एक बहुत बड़ी सितारिस्ट थी, ये बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर होती, बहुत बड़ा इनका नाम होता, लेकिन इन्होंने अपने पति के लिए संगीत छोड़ा था। तो यहां पे दोस्तों 1962 में इनसे सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे। उसके बाद कमला शास्त्री से, जो कि एक बहुत बड़ी डांसर थी, 1940 में इनका रिलेशनशिप उनके साथ स्टार्ट हुआ था, और फिर कमला शास्त्री से इन्होंने मतलब इनके साथ रहने लगे थे। उसके बाद न्यूयॉर्क में जब थे तो सू जोन्स से अफेयर की बातें आई, और इनसे एक बेटी हुई जिसका नाम था नोरा जोन्स। नोरा जोन्स भी बहुत बड़ी संगीतज्ञ बनी, 8 ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं दोस्तों नोरा जोन्स को, और 5 ग्रैमी अवार्ड्स पंडित रविशंकर को मिला। ग्रैमी जो संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है पूरी दुनिया में, ठीक है। 1986 तक तो ये रहे स्यू जोन्स के साथ, फिर उनको भी छोड़ दिया, और फाइनली इनकी शादी हुई सुकन्या राजन से, ठीक है, सुकन्या राजन, ठीक है। और सुकन्या राजन की ही बेटी थी अनुष्का शंकर, और फिर सुकन्या राजन के साथ ही ये रहे। अनुष्का शंकर और रविशंकर ने कई बार साथ में परफॉर्मेंस दी है, और 4 नवंबर 2012 कैलिफोर्निया को इन्होंने आखिरी, कैलिफोर्निया में इन्होंने आखिरी परफॉर्मेंस दी, और अगले ही महीने 12 दिसंबर 2012 को देहांत हो गया पंडित रविशंकर का। एक बार और हार्ट अटैक आया था दोस्तों पंडित रविशंकर को, इनकी ज्यादा तबीयत जो है आखिरी टाइम में, तो हालांकि आप जानते ही हैं क्योंकि काफी बड़ा ये इनकी जो लाइफ रही है, इनकी जिंदगी रही, काफी बड़ी रही है, और अंतिम वक्त जब इंसान का आता है तो हेल्थ तो खराब होनी ही होनी है। तो 2012 में, दिसंबर 2012 में 92 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, और अगले ही साल 2013 में इनको नॉमिनेट किया गया था और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। ग्रैमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक भारतीय को मिलना ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दो कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई है इनको लेके, हम फटाक से उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसा हालांकि कुछ चीजें तो मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, स्कॉलर जो है मतलब जो म्यूजिक के स्कॉलर है, वो बोलते हैं कि इनका म्यूजिक प्योर नहीं है, ये वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक को मिक्स करते हैं, तो ये क्लासिकल संगीत नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने ड्रग्स से किनारा कर लिया था, 1970 आते थे, इन्होंने पूरी तरीके से हिप्पी म्यूजिक से किनारा कर लिया था। आपको बता दूं जॉर्ज हैरिसन जो कि बीटल के मेंबर थे, वो जब इनसे मिले एकदम पागल हो गए थे वो, और इनको अपना गुरु बना लिया था। तो पंडित रविशंकर ने जॉर्ज हैरिसन को काफी कुछ सिखाया, और यहां पे दोस्तों इन्होंने मिलके एक म्यूजिक बनाया जिसको बोला जाता था राग रॉक। रॉक म्यूजिक में भारतीय रागों का इन्होंने मतलब एक तरीके से मिला दिया था, ठीक है। तो बहुत यहां पे भीड़ होने लगी थी, और आपको बता दूं कि जॉर्ज हैरिसन ने इनको गॉड फादर ऑफ द वर्ल्ड म्यूजिक भी बोल दिया था। लेकिन जब ये कल्चर देखते थे कि अक्सर जितने ज्यादा रॉक स्टार जो हैं, काफी रॉक स्टार्स, वो ड्रग्स लेते थे,
तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था पंडित रविशंकर। अब पंडित रविशंकर इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे रॉक म्यूजिक में, तो यहां पे इनके ऊपर भी इल्जाम लगे कि ऐसे म्यूजिक को ये सपोर्ट करते हैं, ड्रग्स को सपोर्ट करते हैं। तो पंडित रविशंकर को ये इस मौके की नजाकत को उन्होंने समझा और 1970 आते थे और उन्हें हिप्पी म्यूजिक से बिल्कुल किनारा कर लिया। फिर वो अलग राह पे चले गए और जो भी कंसर्ट होते थे उसके बाद उसमें रॉक धीमे धीमे गायब हो गया, वो बिल्कुल क्लासिकल बेस्ड होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, जरूर शेयर करिए। पंडित रविशंकर जिन्होंने पूरी दुनिया में म्यूजिक को फैलाया और आज भी जितने सिंगर्स हैं वो पंडित रविशंकर को फॉलो करते हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अगला जो लेक्चर होगा वो पंडित भीमसेन जोशी पे होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।